हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 15th ऑफ जनवरी है एंड अभी लोहरी एंड मकर संक्रांति निकली है, तो मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया था लोहरी या मकर संक्रांति पे, इसीलिए व्लॉग भी नहीं बनाया एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट आज मैं आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी लोहरी बोलना चाहती हूँ। और जैसे कि आपने देखा, अभी 6:17 हुआ है मॉर्निंग का और बाहर बहुत अंधेरा है और आज काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है, तो मैं बस घर पर ही वर्कआउट कर रही हूँ। मैंने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये लिया था कि इस साल मुझे 5 to 6 kgs वेट शेड करना है ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 months एंड आई एम क्लोजली फॉलोइंग दैट, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं अपना वेट लूज़ करना है एंड वेट लूज़ करने के लिए मैं कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं कर रही, बस मैं क्लीन एंड हेल्दी फूड खाने की कोशिश कर रही हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा अपना फोकस कर रही हूँ वर्कआउट रूटीन्स पे। तो सर्दियों की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ वॉक करने, इसीलिए मैं घर पर ही ये वॉक एट होम रूटीन फॉलो करती हूँ। ये लेस्ली सिम्पसन का वर्कआउट है, इन केस यू वांट टू फॉलो हर टू, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बस वर्कआउट करने के बाद जो है एकदम से बहुत तेज मुझे पसीना आता है और बॉडी एकदम हीटेड सी लगती है। तो बस मैं किचन में आई हूँ और अब अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ। तो दिन की शुरुआत मैं अपने पानी गर्म करने से करती हूँ और बस पानी गर्म हो रहा है और जो नट्स वगैरह मैं रात में सोख करके रखती हूँ उनको एक बार वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद एक कटोरी में डाल के रख देती हूँ जिससे कि सब लोग अपने अपने खाते जाएं। और आज मेरी काइंड ऑफ रिलैक्स्ड मॉर्निंग है क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स नहीं प्रिपेयर करना, आज उनकी कोई मीटिंग है और वहीं पर उनको लंच सर्व होगा, तो थोड़ा सा मेरे लिए रिलैक्स्ड है। और आज बस ब्रेकफास्ट बनाना है, तो ब्रेकफास्ट में मैं बहुत ही हेल्दी आज एवोकेडो स्प्रेड सैंडविच बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने 2 एवोकेडो लिए हैं जिसका मैं फ्लैश एक कंटेनर में स्कूप आउट करके रख दूँगी और तब तक जो है मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आराम से बैठ के पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं वापस से किचन में जाऊँगी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी। और पानी पीते पीते मैं अपना YouTube वगैरह चेक कर लेती हूँ एक बार, तो मैंने देखा कि मोस्टली सेम जो प्राजक्ता कोहली का चैनल है, शी इज़ अ सेलिब्रिटी, आई एम श्योर आप सब लोग उन्हें जानते ही होंगे और फॉलो भी करते होंगे। उनका रियल टॉक ट्यूसडे वीडियो आया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एंड आई एम रियली यू नो वेटिंग टू वॉच दैट वीडियो। सुबह सुबह तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं 20 मिनट्स की वो वीडियो बैठ के देखूँ, बट एक्चुअली आई रियली रियली लव प्राजक्ता कोहली, शी इज़ सच अ नाइस ओरेटर, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी वीडियोज़ देखना, स्पेशली थर्सडे वीडियोज़ जो कॉमेडी वीडियोज़ वो बनाती हैं। तो बस अभी मैं वही देख रही थी कि उनकी वीडियो आई हुई है। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो एवोकेडो को मैंने अच्छे से हाथ से अपने मैश कर लिया है और उसमें मैंने 1 चॉप ग्रीन चिली ऐड की है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज ऐड किया है, थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा ये। और उसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून के अराउंड लेमन जूस ऐड किया है, थोड़ा सा सॉल्ट और ऊपर से थोड़ा सा मैं क्रश ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से आप गुआक को बना कर देखिए, बहुत ही यम लगता है एंड हेल्दी तो होता ही होता है ये। अक्सर लोग एवोकेडो फेस मास्क हेयर मास्क बनाते हैं, बट मेरे ओपिनियन में अगर आप ये सब चीज़ें खाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो बस अभी मैं अंशुल के लिए बना रही हूँ ब्लैक बीन बर्गर पैटी, और ये पैटीज़ हम लोगों ने कॉस्को से ली थी, फ्रोज़न होती हैं तो इसको थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसे लगा दिया डीफ्रॉस्ट पे। और अभी मैं चाय की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और चाय विदाउट अदरक और इलायची तो बिल्कुल भी हमारे घर में नहीं चलती, तो बस वही अभी मैं कूट के जो है पानी में डालूंगी। और यहाँ पे मैं थोड़े से फ्रूट्स चॉप करके दूंगी अंशुल को, लंच तो उन्हें मिलेगा बट इंग्लिश लंच में वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो अक्सर अंशुल जो है भूखे आते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा उनको कुछ रख के देती हूँ जिससे कि उनके पास कुछ रहे मंच करने के लिए। और बस फ्रूट्स वगैरह मैंने काट के रख दिया है टेबल पे और अब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि पैटी भी ऑलरेडी गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड ली है जिसपे मैं एक थिक लेयर लगाऊंगी ये एवोकेडो स्प्रेड की, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। और उसके बाद जो है पैटी लगा दूंगी विदाउट एनी बटर, मैंने ये बनाई है सैंडविच और पैटी गर्म करते करते बिल्कुल टूट गई थी, बट स्टिल मैंने इसको थोड़ा सा लगा दिया है ब्रेड के बीच में। और बस
बस 2 से 3 मिनट में ही सैंडविचेस तो बन जाती हैं। सैंडविच तो सबसे ज़्यादा इजी ब्रेकफास्ट होता है आई वुड से। और यहाँ पे मेरी चाय जो है वो भी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है, तो वही मैं अभी अंश को सर्व कर रही हूँ और वो भी बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। अभी 7:30 ही हुआ है, बट मैं आपको बताऊँ अंशुल थोड़ा सा जल्दी निकलते हैं, ही इज़ अ मॉर्निंग पर्सन। वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं जनरली और उठ के अपना काम वगैरह शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं थी बिफोर मैरिज, बट अब मुझे भी आदत लग गई है, मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ जाती हूँ। आई हैव ऑल्सो बिकम अ मॉर्निंग पर्सन नाउ। तो बस अभी हम लोग थोड़ा सा बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे, वो यही बता रहे थे कि आज उनका डे काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है एंड वो थोड़ा सा जल्दी ही निकल गए हैं। और अंशुल के जाने के बाद मैं अनिरुद्ध को उठाती हूँ, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग में ठंड रहती है, तो मुझे लगता है कि बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा देर तक सोएगा तो ठीक रहेगा। और वो उठते ही तो एक्टिवेट हो जाता है एकदम शैतानी करने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल मैं उसको कपड़े पकड़ पकड़ के पहना रही हूँ, बिल्कुल नहीं पहनना चाहता। और साथ ही मैंने अपनी मम्मी को भी फ़ोन किया है क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, कल उन्हें फीवर था तो बात नहीं हो पाई थी उनसे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज़रा उनका हालचाल भी ले लूँ। और जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो पता चला कि मेरे नाना जी भी काफ़ी बीमार हैं, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो सारी तरफ से जब सुबह सुबह आप ऐसी न्यूज़ सुनते हो तो एकदम मन ख़राब होने लगता है, स्पेशली जब हम यहाँ रहते हैं और अपनी फैमिली से बिल्कुल मिल नहीं पाते तो और भी ज़्यादा हम मिस करने लगते हैं सबको। बट एनीवेज ये लाइफ है, चलती रहती है इसी तरीके से। और अब हम दोनों का मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, और आज मैं फ़र्स्ट टाइम अनिरुद्ध के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। मैंने हाफ ब्रेड ली है और बस 1 एग का एग वाइट लिया है। मैं ट्राई करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि उसे फ्रेंच टोस्ट कैसा लगेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ही इज़ ईटिंग ब्रेड, सो आई एम रियली एक्साइटेड। और मैंने अच्छे से जो है थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर लिया था पैन को, और मैंने अपने लिए सिंपल एवोकाडो सैंडविच बनाई थी, कोई भी पैटी वगैरह नहीं लगा के मैंने खाया। और मैंने क्विकली जो है अपना ब्रेकफास्ट कर लिया क्योंकि मुझे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भूख लग जाती है। और अब मैं किचन में आप वापस से आ गई हूँ, थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करनी है। किचन की क्लीनिंग तो इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, क्योंकि किचन की क्लीनिंग तो हर मील के बाद करनी पड़ती है। बट आज थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि मुझे घर की क्लीनिंग नहीं करनी, क्योंकि ओवर द वीकेंड हम लोगों ने घर की डीप क्लीनिंग करी थी, तो 2 से 3 दिन तो आराम से डीप क्लीनिंग के बाद घर साफ ही दिखता है। तो और बीच बीच में आके मैं इसको भी जो है खाना खिलाऊंगी, क्योंकि ये अपने आप नहीं खाता है अभी और काफ़ी ज़्यादा फजी ईटर है, तो उसको थोड़ा सा बहला फुसला के प्यार कर करके खिलाना पड़ता है। तो बस काम वगैरह करने के बाद अब मैं अनिरुद्ध के साथ थोड़ा बैठी हूँ, अपना फेस मास्क लगाया है आज मैंने काफ़ी दिनों बाद। ये लॉरियल का क्ले मास्क है और मेरे सेंसिटिव स्किन को काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा अप्लाई करते हैं और थोड़ी सी अपनी स्किन को सुंदर बनाती हूँ मैं। और आजकल मैं अनिरुद्ध को पेंसिल होल्ड करना सिखा रही हूँ, तो वही मैं उसको सिखा रही हूँ, थोड़ा सा स्क्रिबलिंग वगैरह वो सीखेगा। और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमने उसके साथ न्यू स्टार्ट करी हैं, अगर आप चाहते हो देखना तो मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसकी एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और मुझे लगता है कि बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाना एक PhD करने के बराबर होता है। मैं अपने हस्बैंड को कई बार बोलती हूँ कि आपने सिविल इंजीनियरिंग में PhD करी है और मैंने पास्ट 2 ईयर्स में बेबी सिटिंग में PhD कर ली है। और थोड़ी देर बस हम ऐसे ही बैठेंगे खेलेंगे, उसके बाद मैं इसको शावर कराने के लिए लेके जाती हूँ, और उसके बाद फिर इसको मैं कुछ आउटडोर एक्टिविटी कराती हूँ। और रिसेंटली हम लोगों ने इसके लिए स्कूटर खरीदा है and he is more interested in outdoor activities than the indoors. तो बस अभी मैं इसको घर के आसपास ही स्कूटर चलवाती हूँ, क्योंकि अभी हमने इसके लिए हेलमेट नहीं खरीदा है, बस हेलमेट लेने के बाद इसको पार्क वगैरह लेके जाया करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला था कि आज मेरा थोड़ा सा रिलैक्स डे है, मुझे कोई भी ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी, क्योंकि कल ये मैंने मूंग दाल एंड पालक मिक्स करके दाल बनाई थी, तो आज मैंने इसको अच्छे से सुखा लिया है, पिट्ठी की तरह बना लिया है, और अब मैं इसके पराठे बना लूँगी। तो सब कुछ मेरे पास रखा ही था, बस आज काइंड ऑफ मेकअप करना था जो लेफ़्ट ओवर था उसका, और वही सब हम खा रहे हैं। और ये पराठे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं, ट्रस्ट मी, जो आप दाल को यूज़ करके पराठा मार के जो पराठा बनाते हैं उससे भी ज़्यादा ये फिलिंग वाले पराठे टेस्टी लगते हैं, आप इन्हें ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, और ये बहुत ज़्यादा फिलिंग भी होते हैं। तो बस एक छोटा सा पराठा मैंने अनिरुद्ध के लिए बनाया है और एक पराठा मैंने अपने लिए बनाया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं। तो बस यही मेरा लंच है, एक पराठा विद दही और थोड़ा सा मैंने अचार लिया है जो मम्मी लेकर आई थी, मिर्ची वाला।
और आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने वैल्यूएबल कॉमेंट्स मुझे ज़रूर लिखिएगा। आई लव टू रीड योर कॉमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।